देखो किसी किसी रिव्यूअर ने उसकी मजाक भी उड़ाई, ये बोलता है ना कोई मेकअप है, हीरोइन कैसी लगती है, क्या हेयर स्टाइल है, ऐसे कैसे सुपरस्टार है। अरे भाई उनका जो कैरेक्टर वैसा था। हेलो एंड माय नेम इज दिग्विजय, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों अल्लू अर्जुन की पुष्पा का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ गया 4 दिन का, और हमारे साथ में आ गया हमारे क्रिटिक ऑफ द मास्टर्स विजय जी। बहुत बहुत स्वागत है टू बॉलीवुड प्रेमी। क्या है विजय जी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अल्लू अर्जुन के पुष्पा का? अभी हमने शुरू किया है बॉलीवुड प्रेमी बम्पर ओपनिंग, तो पहले हमने दिया सूर्यवंशी को, पहले आई हुई 3 तारों का तड़प ने कुछ किया 3-4 दिन में कुछ 13-14 करोड़, मतलब ठीक है 13-14 करोड़ न्यू कमर है। उसके बाद आई वेले और चंडीगढ़ करे आशी की 10 तारीख को, उसके कुछ कलेक्शन खास आए ही नहीं, उन्होंने डाले ही नहीं कलेक्शन, रिपोर्ट ही नहीं है। बोला सोचे कुछ कलेक्शन है तो क्या डाले, नाम खराब हो जाएगा, इसलिए उन्होंने कलेक्शन डाले नहीं। उसके बाद आई पुष्पा बम्पर ले लिया, जबरदस्त, अभी तक 4 दिन में ही 170 के ऊपर हो गया, ऑल लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड 170 के ऊपर, तो बहुत जबरदस्त हो गया। तो सूर्यवंशी को पीछे छोड़ दिया। अरे क्या बात है, ना कोई प्रमोशन ना कुछ नहीं, कुछ नहीं, हिंदी बेल्ट में तो कुछ नहीं, एक दिन आगे गए थे। जी हाँ, धमाल मचा दिया, प्यार दिया। हर एक लैंग्वेज में लोगों को मजा आ गया डब फिल्म में, हिंदी में मैंने देखी, कितना मजा आता है देखने में। सबसे बड़ी बात है 3 घंटे की फिल्म है लेकिन लोग बैठ के एंजॉय करते, सबसे बड़ी बात वही है कि हमारे बॉलीवुड की 3 घंटे की फिल्म है ना, पब्लिक उठ उठ के बार बार वॉशरूम जाती है, लेकिन यहाँ कोई नहीं गया, मैं खुद नहीं गया, खुद इंटरवल में गया, मतलब इंटरेस्टिंग पिक्चर, मज़ा आता है देखने में, इसलिए बैठा के रखा है। इसलिए उसके कलेक्शन हो गए 170 करोड़ के ऊपर, बहुत बड़ी बात है। मंडे को ज़्यादा पिकअप ले लिया। जी हाँ, मंडे को, सैटरडे संडे से ज़्यादा मंडे को पिकअप कर दिया, क्यों हमारे पीछे मंडे गिर जाती है, लेकिन मंडे को पिकअप किया, बहुत बड़ी बात है, यही साउथ का कमाल है। अल्लू अर्जुन नेक्स्ट सुपरस्टार कह सकते हैं। यस हिंदी के पार्ट 2 आएगी, वो भी धमाल कर देगी। देखो विजय जी मैं पूछना चाहूंगा आपको, क्या अलग था बॉलीवुड के, आप तो प्रेमी हो ही, जी बॉलीवुड फिल्में देखते ही हो, लेकिन इस बार ये अल्लू अर्जुन पहली बार हिंदी में लेके आए पिक्चर, क्या अलग था बॉलीवुड? देखो किसी किसी रिव्यूअर ने उसकी मजाक भी उड़ाई, ये बोलता है ना कोई मेकअप है, हीरोइन कैसी लगती है, क्या हेयर स्टाइल है, ऐसे कैसे सुपरस्टार है। अरे भाई उनका जो कैरेक्टर वैसा था, जो कैरेक्टर था गरीब, एक गरीब है तो थोड़ी मेकअप करके वो एक्टर, तो ओरिजिनल कैरेक्टर बताया उसको, लुंगी पहनना, गंदा शर्ट, मतलब जो भी है, फिर वो बड़ा बन जाता है, लेकिन अपना लुक नहीं छोड़ा उसने, भले नहाया धोया साफ सुथरा, लेकिन वो थोड़ी हीरो टाइप है, बड़ा इंच बन गया, पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो मतलब ऐसे बताया कुछ, तो लोग बताए ऐसे कैसे बोलते हैं सुपरस्टार बनता है, लेकिन है ना, आप देख लीजिए, आप बोलते हो तो आप वर्ल्ड वाइड कलेक्शन देख लीजिए ना, 170 करोड़ के ऊपर कोई हो सकता है? ये बात है, 4 दिन में ये स्टार्ट, कोई भी फिल्म ने, बॉलीवुड फिल्म ने नहीं किया इतना ओपनिंग, नहीं दिया। ये तो स्टार्डम है ना, स्टार्डम किसको कहते हैं? मेकअप किया, ग्लैमर दिखाया तो 100 करोड़ कमा लेगी, ये बात नहीं है। इस फिल्म में स्टाइल था, क्या डायरेक्शन था, क्या कॉमेडी थी, अलग तरीके का डांस था, और उसकी जो सन की बोलते ना, मैं झुकूंगा नहीं, वो टाइप का एक्टर है वो, तो पब्लिक को मज़ा आ गया, लोगों ने रिपीट वैल्यू की, इसलिए इतना कमाई पिक्चर। और हीरोइन का भी इतना ग्लैमर नहीं था पिक्चर में, कोई ग्लैमर नहीं था, लेकिन चल गई पिक्चर। क्या बात है विजय जी, ये है बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। जी हाँ, आपने तो अभी तक कह दिया कि 17 तारीख आ गई और बम्पर तो अपने इंडियन सिनेमा में जी अल्लू अर्जुन की जी हाँ लिया है, और दो बड़ी बाकी है विजय जी, 83 और उसके बाद आएंगे जर्सी। देखिए अभी क्या होता है। ओके, अब आएंगे वापस आपके पास विजय जी, 83 और जर्सी के लिए, और देखेंगे कि उनका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है।